हेलो यूट्यूब। तो आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें कि हम एक ये जो देख रहे हैं ये एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, इसको हम एक्सप्लोड करेंगे। ये कैपेसिटर 10 वोल्ट तक क्षमता, मतलब इसकी कैपेसिटी 10 वोल्ट है और इसमें हम ये इस ट्रांसफार्मर के जरिए इसमें 30 वोल्ट सप्लाई देंगे और वो भी जो है सो इसका पोलैरिटी रिवर्स करके। तो ऑब्वियसली इसके कारण ये जो है सो ब्लास्ट करेगा, तो हम देखेंगे कि ये ब्लास्ट जब करता है तो कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है सर्किट में, मतलब कैसे ब्लास्ट करता है, कितना ज़्यादा पावर जनरेट करता है और किस तरीके से, क्योंकि बहुत से मैंने कई बार इसे ब्लास्ट करते हुए देखा है और कई लोग इसे नहीं देखे हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए। पहले मैं आपको सेटअप बता देता हूँ। तो सेटअप ये है कि ये एक एक्सटेंशन बोर्ड है, मतलब 220 वोल्ट सप्लाई का। उसके बाद इसके सीरीज में जो है मैंने एक कैपेसिटर से ट्रांसफार्मर को कनेक्शन दिया है और ये ट्रांसफार्मर बेसिकली जो है सो 220 वोल्ट से 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, लेकिन इसको 30 वोल्ट बनाने के लिए मैंने एक सीरीज में एक कैपेसिटर लगाया है जो कि ये 2 पॉइंट समथिंग माइक्रोफेरेड का है। तो इससे जो होगा ये कि मतलब ये जो है ट्रांसफार्मर नॉर्मली जो है मतलब 12 वोल्ट आउटपुट देता है, तो इससे मतलब ये देगा 30 वोल्ट। उसके बाद ये एक रेक्टिफायर हो गया सर्किट, इससे ये एसी से डीसी में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद डायरेक्ट कनेक्शन हम जो है सो कैपेसिटर को पोलैरिटी रिवर्स करके, यानी पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव में लगा के, और साथ में ये 10 वोल्ट तक इसका जो है सो पावर है, 10 वोल्ट तक ये क्षमता रखता है, लेकिन इसमें हम 30 वोल्ट जो है सो डीसी सप्लाई देंगे तो ये ऑब्वियसली ब्लास्ट करेगा। तो इसके बाद ये देखेंगे कि कैसे ब्लास्ट करता है। तो मैं अब इसका पावर ऑन करता हूँ। ये पावर ऑन करते ही जो है ये आप देख रहे हैं इंडिकेटर ग्लो हो रहा है। उसके बाद ये कैपेसिटर से होके इसमें गया ट्रांसफार्मर में। इसका कनेक्शन करने से पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है। तो ये एक मल्टीमीटर हुआ, इसको मैंने ये मल्टीमीटर, उसके बाद इसको मैंने किया 200 वोल्ट पे सेलेक्ट, उसके बाद इसका ये दोनों प्रॉब और एक प्रॉब यहाँ और एक प्रॉब यहाँ। अरे यार, एक हाथ से दिक्कत हो रहा है। तो आप वहाँ देख सकते हैं कि ये 25 वोल्ट आ रहा है, 25 वोल्ट के करीब। तो मतलब कि मेरा ट्रांसफार्मर जो है सो सही है, ये 25 वोल्ट दे रहा है। मैंने 30 वोल्ट बोल दिया लेकिन कोई बात नहीं, 25 वोल्ट इसी के आसपास था। यह अभी वोल्टेज कम आ रहा है, इसकी वजह से 25 वोल्ट है। अगर सप्लाई में घर में अगर मतलब 220 वोल्ट पूरा होता तो ये 30 वोल्ट देता। तो उसके बाद ये रेक्टिफायर है, इसके बाद मैं इसका कनेक्शन करूँगा तो ये सीधा ब्लास्ट हो जाएगा। तो ब्लास्ट, जब बात ब्लास्ट की आती है तो प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। तो ये उतना भी मैंने कैपेसिटर छोटा चूज किया है, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा लेता तो इसमें एल्युमिनियम कोटिंग होता है, मतलब इसका कवर एल्युमिनियम का बना होता है। तो एल्युमिनियम अगर फटेगा तो ऑब्वियसली जो है सो पावर जनरेट करेगा, तो आसपास अगर उड़ा तो आँख में पड़ सकता है या फिर कैमरा का लेंस भी फूट सकता है। तो इसको बचाने के लिए मैंने एक जुगाड़ लगाया है कि ये मेरे पास एक ग्लास है चाय पीने वाला ग्लास, तो इससे मैं इसको ढक दूंगा। तो इससे होगा कि इसके अंदर ये ब्लास्ट होगा, ये ग्लास उतना मतलब ये इसका झेल लेगा, मतलब पावर झेल लेगा, क्योंकि इतना मोटा है ये ग्लास। तो चलिए इसको साइड कर देते हैं। अब मैंने इसको ढक दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे जो है सो पहले पावर ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद इसको लगाता हूँ, फिर आपको दिखा। तो मैंने लगा दिया है। अब मैं इसका पावर ऑन करता हूँ, देखते रहिएगा। तो आपने देखा ये कितना भयानक ब्लास्ट हुआ। तो ये देखिए इसकी हालत ख़राब हो गई। ये इसका कैप, इसका पुर्जा बाहर आ गया है। ये कई सारे सर्किट को भी डैमेज कर देता है। ये बहुत तेज़ ब्लास्ट करता है, इतना तेज़ कि इसका एल्युमिनियम का कवर बाहर आ गया। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना तेज़ ब्लास्ट करता है। सारा सेपरेटर बाहर आ गया है, ये जो आप देख रहे हैं पेपर टाइप का, ये सेपरेटर है। तो सारा सेपरेटर बाहर आ गया, इससे पता चलता है ये कितने बुरी तरीके से फटा होगा।
तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।